दोस्तों आईपीएल 2023 का आगाज हो चुका है। विश्व की सबसे बड़ी घरेलू टी20 लीग के पहले मुकाबले में चेन्नई और गुजरात के बीच कड़ा रोमांच देखने को मिला। वहीं अब इस टूर्नामेंट में लगभग 2-2.5 महीने फैंस को इस तरह के हाई प्रेशर मैच देखने को मिलने वाले हैं। आईपीएल 2023 का चौथा मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच आज 3:30 बजे से खेले जाने वाला है। उससे पहले दोस्तों हम आपको हैदराबाद की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें कप्तान भुवनेश्वर कुमार इन नई रणनीतियों के साथ विपक्षी टीम के खिलाफ मैदान पर उतर सकते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2023 के 16वें सीजन के लिए एडन माक्राम को कप्तान के रूप में नामित किया था, लेकिन 2 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेले जाने वाले पहले मुकाबले में कप्तानी नहीं कर पाए, क्योंकि वह नीदरलैंड्स के खिलाफ मुकाबले खेली जा रही 3 वनडे की शेड्यूल में व्यस्त है। दोस्तों आइए जानते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11। इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की सलामी जोड़ी पर नजर डाले तो मयंक अग्रवाल और अभिषेक शर्मा को पारी की शुरुआत करते हुए नजर आ सकते हैं। दोनों ही खिलाड़ी शुरुआत में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। अभिषेक शर्मा बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने पिछले सीजन में शानदार प्रदर्शन करते हुए 14 मैचों में 30.43 की औसत से 426 रन बनाए थे, जबकि दूसरे छोर से मयंक अग्रवाल भी घातक साबित हो सकते हैं, क्योंकि घरेलू क्रिकेट में उनका फॉर्म शानदार रहा है। अगर मिडिल ऑर्डर की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद का मध्यक्रम काफी मजबूत नजर आता है, क्योंकि हैदराबाद के पास राहुल त्रिपाठी, अब्दुल समद और हैरी ब्रूक जैसे सुलझे हुए बल्लेबाज है, दो विपक्षी टीम के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। पिछले सीजन त्रिपाठी ने अपने बल्लेबाजी प्रदर्शन से पूरी तरह प्रभावित किए थे। उन्होंने 14 मैचों में 158 की स्ट्राइक रेट से 413 रन बनाए थे। हैरी ब्रूक ने कभी भी कोई आईपीएल नहीं खेला है, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड के लिए 20 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 137 की स्ट्राइक रेट से 372 रन बनाए हैं। दोस्तों अब बात ऑलराउंडर्स की करते हैं, क्योंकि आईपीएल में देखा गया है कि 6 से 7 नबन पर विस्फोटक बल्लेबाज काफी अहम रोल अदा करते हैं। ऐसे में ग्लेन फिलिप्स ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। वहीं दूसरे तरफ वाशिंगटन सुंदर भी खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि पिछले सीजन में सुंदर ने बल्ले और गेंद दोनों से कमाल का प्रदर्शन किया था। दोस्तों अगर आप भी क्रिकेट देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल अपना कप को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।